सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। परमवीर चक्र शहीदों के नाम पर होगा अंडमान के 21 द्वीपों का नाम, पीएम मोदी करेंगे नामकरण। गुजरात में बनाई गई पीएम मोदी की 156 ग्राम वजनी सोने की प्रतिमा, मूर्ति की कीमत करीब 11 लाख रुपए। विक्रम देवदत्त होंगे डीजीसीए के अगले महानिदेशक, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दलाई लामा ने भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को सराहा, नेहरू इंदिरा के साथ बिताए पल को किया याद। एनआईए के आरोप पत्र में सनसनीखेज खुलासा, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई 2047 देश में कायम करना चाहता था इस्लाम का शासन। कोलकाता में पुलिस से भिड़े आईएसएफ कार्यकर्ता, लाठी चार्ज, हजारों कार्यकर्ता टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। भारत की पहली नेजल वैक्सीन की 26 जनवरी को लॉन्चिंग, भारत बायोटेक के एमटी बोले अगले महीने आएगी पशुओं की लंबी बीमारी की वैक्सीन। उत्तर भारत में 23-24 को बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में फिर बढ़ेगी सर्दी, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद। हिमाचल में एवलांच को लेकर अलर्ट, चार जिलों पर हिमखंड गिरने की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह, पहाड़ों की ओर न जाएं सैलानी। जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा शुरू, 23 को जम्मू के सतावरी में होगी विशाल जनसभा। पीएम मोदी ने डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी पर हुई चर्चा, 350 सीनियर पुलिस अधिकारी हुए शामिल। महाराष्ट्र में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया संकेत। योगेश्वर दत्त ने साक्षी मलिक पर दागे सवाल, बोले वे खुद रेसलिंग फेडरेशन कमेटी की मेंबर है, यौन शोषण हुआ तो किसी को क्यों नहीं बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बच्चों को देंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, विजेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। जानलेवा साबित हो रहा जलकट्टू, 14 साल के बच्चों को सांड ने पटक पटक कर मार डाला। भाजपा सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले सत्ता में आने के बाद महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। गोंडा में चैंपियनशिप रद्द, 700 पहलवान वापस लौटे, खिलाड़ियों ने कहा इससे खेल का नुकसान हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में गोरखपुर की शानदार भागीदारी, 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर लगी मुहर। आजमगढ़ में बच्चों पर गिरा छज्जा, एक की मौत, 13वीं के भोज में शामिल होने गए थे, 5 हुए घायल।
मेरठ जिला क्रिकेट संघ बनाएगा महिला विंग, प्रशिक्षण लेंगे खिलाड़ी, यूपी लीग को हरी झंडी। अमेठी में दबंग ने दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गाजियाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही, सामने आए ट्रांसफार्मर सहित खंभा नीचे की तरफ झुका। गाजियाबाद में पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया आरोपी पति को गिरफ्तार। गाजीपुर का उसी चट्टी कांड मामला, हाईकोर्ट से केस ट्रायल पर स्टे, अफजाल अंसारी ने दिया बयान। हरदोई में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि, अखिलेश यादव ने दी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क किनारे खड़ी वृद्ध महिला को मारी टक्कर। रायबरेली में प्रदेश के कृषि सचिव का दौरा, सेल्फी पॉइंट और अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। रायबरेली में प्रेमी जोड़े का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कर रही है जोड़े की तलाश। गाजियाबाद में श्याम मानो ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया, हिंदू रेकेस दल 31 लाख का देंगे इनाम। औरैया में ई रिक्शा चालकों पर चलाया गया अभियान, बिना लाइसेंस के ई रिक्शों का किया गया चालान। फरीदाबाद में लापता युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस ने मामले में मुकदमा नहीं किया दर्ज। लखनऊ में भाजपा की कार्य समिति की बैठक, उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ दर्ज है 24 मुकदमे। लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। शहर में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट, एक गुट पर बाहरी लोग बुलाकर हमला कराने का आरोप, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने किया प्रदर्शन। फर्रुखाबाद के एक युवक को पत्नी से चाय बनवाना पड़ा भारी, पत्नी ने पति पर चाकू से किया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में सेवागिरी बाबा ने जताई हत्या करने की आशंका, सेवागिरी बाबा को मिल रही जान से मारने की धमकी। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक की मौत, सड़क हादसे में मिल कर्मी की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में शराबियों ने किया जमकर हंगामा, शराबियों के हंगामे की वजह से सड़क पर लगा जाम।
यूपी में बारिश का अलर्ट, शीतलहर के बीच कड़ाके की ठंड के आसार, कश्मीर की बर्फबारी का देखा असर। नोएडा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, लड़कों को स्टंट करने से मना करने पर कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडे चलाए, मालिक को भी पीटा। काशी में छाए काले बादल और कोहरा, पारा चढ़कर पहुंचा 23 डिग्री पर, सप्ताह भर ऐसा ही रह सकता है मौसम। लखनऊ में दो पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे विवाद में कई लोग हुए घायल, अमीनाबाद व वजीरगंज की पुलिस मौके पर रही मौजूद। कानपुर में पनकी नहर पर दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने तेंदुओं का बनाया वीडियो, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। कानपुर में ट्रैफिक बूथ में वसूली करते का पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, वायरल वीडियो में दिख रहा पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस में तैनात है दरोगा मुकेश सिंह। कानपुर के एक होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, चौथे फ्लोर पर चल रहा था निर्माण कार्य, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। कन्नौज में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की आग के कारण लगी आग, पास में मौजूद 3 दुकानों में जलकर राख, स्थानीय लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हरदोई में प्रधान ने ग्रामीणों पर तानी, राइफल तानने का वीडियो हुआ वायरल, आवासों की जांच करने आई टीम की मौजूदगी में हुआ विवाद। हमीरपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पिथौरागढ़ में कई जगह लगे भूकंप के झटके, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई जगह लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल 3.8 रही तीव्रता। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के खुलासे के बीच सरकार का आक्रामक रुख, भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल होगा एक्शन। बद्रीनाथ यात्रा पर संकट, भूदशाओं की चपेट में हाईवे, कई हिस्सों में धस रहा धाम की तरफ जाने वाला एकमात्र रास्ता। उत्तराखंड के पूर्व सीएम की बातों में फिर छलका दर्द, कहा देवास्थनम बोर्ड होता तो उसकी आय से होता पुनर्निर्माण। जोशीमठ में राहत पैकेज का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटा शासन, 2000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है इन्वेस्टमेंट। प्रदूषण पर सख्त दिखा सिस्टम, 2 फैक्ट्रियां सीज की गई, रुड़की में 13 ईंट भट्टों को किया गया सील। यात्रियों व वाहनों का दबाव कम करने का प्लान, इस वर्ष नियंत्रित होगी बद्रीनाथ धाम यात्रा। आतंकी जगजीत सिंह और नौशाद के बारे में बड़ा खुलासा, हल्द्वानी जेल से रची थी देश को दहलाने की साजिश। सपा प्रभारी के बेटे की शादी में शामिल हुए उत्तराखंड पहुंचे अखिलेश यादव। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाए खतरा, भवनों व मलारी हाईवे पर चौड़ी हुई दरारें, हो रहा है पानी का रिसाव। पेरू में सरकार के खिलाफ बड़े हिंसा प्रदर्शन, मशहूर पर्यटन स्थल माचू पिच्चू को किया गया बंद।
पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर, अपनी सेवा बंद कर सकती है विदेशी शिपिंग कंपनियां। राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से फिर मिले गोपनीय दस्तावेज, वकील ने दी जानकारी। चांद पर कदम रखने वाले बज एल्ड्रिन ने 93 वर्ष में की चौथी शादी, एंका फोर को बनाया जीवन साथी। रूस ने डेनबॉस क्षेत्र में बढ़ाई गोलीबारी, अधिकारियों ने दी हमले की जानकारी। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन की 80% आबादी संक्रमित, वैज्ञानिक बोले अब नई वेव आने की संभावना कम। साउथ कोरिया में तख्तापलट की तैयारी में किम जोंग उन, नॉर्थ कोरियाई तानाशाह हजारों जासूसों को शरारती बनकर सीमा भेज रहा है। अमेरिका में गैस स्टोव पर प्रतिबंध को लेकर विचार, इससे बच्चों को अस्थमा और सांस की बीमारियों का खतरा। अफगानिस्तान के फैजाबाद में आया भूकंप, 4.2 रही तीव्रता। पूर्व पीएम इमरान खान ने किया दावा, बोले जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के बाद शरीफ के साथ किया समझौता। लीला पैलेस से 23.46 लाख की ठगी करने वाला अरेस्ट, खुद को यूएई के शाही परिवार से जुड़ा बताया था, फर्जी विजिलेंस कार्ड भी दिखाया। होंडा एक्टिवा का नया अवतार कल होगा लॉन्च, एच स्मार्ट एंटी थीप जैसे कई नए फीचर्स होंगे। खाने का तेल हो गया है सस्ता, सभी तेल तिलहन के रेट में आई गिरावट। बेंटले में टाया गया ईडब्ल्यूडी, भारत में लॉन्च लग्जरी कार में मिलेंगे रियल व्हील स्टीयरिंग जैसे एडवांस फीचर, कीमत है 6 करोड़ रुपए। माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल में होगी छठी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अपनी वर्ल्ड वाइड वर्कफोर्स में 12,000 एम्प्लॉयज को निकालेगी। गौतम अडानी का 5 कंपनियों का आईपीओ लाने का प्लान, कर्ज कम करने में मदद मिलेगी, एयरपोर्ट से लेकर माइनिंग यूनिट को अलग करेंगे। जीरो एड सब्सक्रिप्शन लाएंगे मस्क, ट्विटर ब्लू के $8 वाले प्लान से भी महंगा होगा, कंपनी की 90% कमाई एड से। एयर इंडिया ने 1700 रुपए में पेश की फ्लाइट टिकट, 50 से ज्यादा जगहों पर घूमने का मौका। अगले महीने से डीएल बनवाना हो जाएगा मुश्किल, नियम में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। डीएमआरसी और नोएडा मेट्रो का तोहफा, फ्री में सफर का भी मिलेगा मौका। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बीच में घुसा बच्चा, दौड़कर रोहित शर्मा को गले लगाया सुरक्षाकर्मी, तुरंत ले गए बाहर। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराए, सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई, घर में लगातार 7वीं बार वनडे सीरीज में अपने नाम की।
आरसीबी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, हैंडल का नाम बदल कर रखा गया। बोर्ड ऐप याच क्लब एनएफटी से जुड़ी पोस्ट भी शेयर की गई। भारत से वनडे सीरीज हारने का न्यूजीलैंड को होगा तगड़ा नुकसान, रैंकिंग शीर्ष में स्थान गंवाया। शोएब अख्तर अपनी बायोपिक रावल पिंडी एक्सप्रेस से आउट, बोली फिल्म बनाई तो ठोक दूंगा केस। चेयरमैन पद से छुट्टी के बाद बदले रमीज राजा के बोल, टीम इंडिया की तारीफ कर पाकिस्तान को लपेटा। रोहित शर्मा ने समीर सिराज की लगाई क्लास, बीच मैच में कहना पड़ा बॉस दूसरे गेंदबाज भी हैं। विराट कोहली को न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज से रहना होगा सावधान, वर्ल्ड कप में भी खड़ी कर सकते हैं परेशानी। आईसीसी ने ओलंपिक 2028 के लिए 6 टीमों की कर दी सिफारिश, मार्च तक नए खेलों के शामिल करने का होगा विचार। स्टीव स्मिथ ने बीबीएल में छक्का जमकर लगातार दूसरा शतक ठोका, ये कमाल करने वाले बने पहले खिलाड़ी। सारा अली खान ने सुशांत का बर्थडे किया सेलिब्रेट, एनजीओ में बच्चों के साथ केक काटा, लिखा इमोशनल पोस्ट। एक फैन की तरह जेम्स कैमरून से मिले राजा मौली, बोले आपके काम का प्रशंसक हूं, कैमरून ने दिया हॉलीवुड फिल्म बनाने का ऑफर। बॉस 16 के सलमान खान के निशाने पर आई टीना, फटकार लगने पर दहाड़े मारकर रोई एक्ट्रेस, कहा तोड़ दिया मुझे। सुहाना खान और शनाया कपूर ने की केंडल जेनर से मुलाकात, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। फिल्म छतरीवाली पर बोली रकुलप्रीत सिंह, एक भी सीन या डायलॉग का डबल मीनिंग नहीं है, जबकि ऐसी फिल्मों में लाइन क्रॉस करना आसान होता है। सुष्मिता सेन ने खरीदी मर्सिडीज बेंज कार, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, गाड़ी की कीमत 2.07 करोड़ रुपए। फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग पूरी, कंगना ने शेयर किया भावुक नोट, बोली फिल्म के लिए गिरवी रखी प्रॉपर्टी। सफेद साड़ी पहन पानी में उतरी जानवी कपूर, याद आ गई राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी। गांधी गोडसे की स्क्रीनिंग में पहुंची रेखा, कियारा की डुप्लीकेट तनिषा संतोषी ने वेटरन एक्ट्रेस के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बड़े मियां छोटे मियां अक्षय और टाइगर की फिल्म शुरू हुई, मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिल्म का मुहूर्त हुआ। आज के शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।